हेलो फ्रेंड, मैं मीनल फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे आरकेएल चैनल में। आज की मेरी रेसिपी है ग्रिल सैंडविच। उसके लिए मैंने यहाँ पे सैंडविच ब्रेड लिए हुए हैं, उसके साथ मैंने बटर के अलावा यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया करने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो आप बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा चाट मसाला यूज़ किया है। तीन मैंने यहाँ पे आलू लिए हुए हैं, मिर्च लिए है, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च, ये हरी मिर्च और ये लाल मिर्च है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। यहाँ पे हम सॉस या फिर सॉस आपका ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ स्लाइस लिए हुए हैं। मैं रेसिपी स्टार्ट करने जाने वाली हूँ। जो आलू है उसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी, बाद में मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी। ग्रीन चिली मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दी है। अब थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ये डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अब लास्ट में मैं इसमें चाट मसाला ऐड करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे दो टाइप के आपको ग्रिल सैंडविच बताने वाली हूँ। ये जो हमारी नॉर्मल सब्जी रहती है, जो आलू की सब्जी हम बनाते हैं, वैसे मैंने सब्जी यहाँ पे बना के लिए ये भी मैं एक सैंडविच बनाने वाली हूँ उसका भी। यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ। उसके लिए मैंने एक प्याज लिया था, वो अच्छे से भून लिया था ऑयल में। फिर उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी, जीरा राई पहले डाल के फिर प्याज डाल के अच्छे से भून लिया, फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी, फिर हल्दी पाउडर और जो मैंने मैश किए हुए आलू थे वो डाले। ये भी एक प्रकार के मैं ग्रिल सैंडविच अभी आपको बताऊंगी। ये जो ब्रेड स्लाइस है मैंने इसे दोनों तरफ से अच्छा सा घी लगा लिया है। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने ये जो बैटर बनाया है ये अब इसके ऊपर मैं उसकी कोटिंग करूँगी या फिर इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी। ऐसा रखना है हमें अच्छे से। एक ये बटर और एक दूसरा जो मैंने दूसरी जो सब्जी जो बनाई थी वो, ये दोनों मैं ऐसे फैला दूंगी उसके ऊपर। ये इसके ऊपर मैंने एक चीज़ स्लाइस रख दी है और मैं इसको बंद कर दूंगी। सेम चीज़ स्लाइस मैं इसके ऊपर भी रख दूंगी और टेस्टर में रख दूंगी उसे ग्रिल करने के लिए। ये मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। यह हमारा प्री हीट हो चुका है। अब मैंने इसमें ग्रिल सैंडविच रख दिए है ग्रिल करने के लिए। अब 5 मिनट हो गए, मैं ये सैंडविच देखती हूँ। गर्मा गर्म सैंडविच रेडी हो गए। अब मैं सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ बाहर आ गया है इसमें का। यम्मी यम्मी। ये देखो हमारे गर्मा गर्म ग्रिल सैंडविच तैयार हो गए। अब मैं आपके सामने ये कट करती हूँ। ये देखो कितने चीज़ी चीज़ी है, सारी तरफ से चीज़ बाहर आ रहा है इसका। ये देखो, आप चाहे तो इसके अंदर आप सॉस भी लगा सकते हो, जो कि मैंने वो ऑप्शनल रखा था। ये देखो गर्मा गर्म चीज के साथ ग्रिल सैंडविच तैयार हो चुके हैं। ये देखो, ये हम आप सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। देखो गर्मा गर्म ग्रिल सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ऐसी ही नई नई रेसिपी देखनी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय आरकेएल चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।